ప్రజలందరూ చూసి మాట్లాడి మన చెల్లెలు జోడీగాయ కోర్టును ఫరంగా ఎలక్షన్ ప్రచారంగా వచ్చిండారు ఈ కార్యక్రమంలో ఇక్కడ ఎంపి మన ఎమ్మార్సీసీ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి వర్షాదాయి గాయక్వాడ్ ఇప్పుడు మాట్లాడతారు उद्योग उपाधि अवकाश धरावी धरावी आक्रमित गुजरात सूरत ना गड दुंगल इकड़कोचर इला वाल ओडिस्ते तप नी धरावी सहा जो हमारा मराठी भाई लोग हमारे तेलंगाने के भाई बहन लोग सब लोग गायकवाड़ को धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे लोगों को हमारे भाई बहनों को आपके परिवार जैसा आपके पिताजी ने जो इन लोगों का मान मर्यादा के लिए मेहनत की है आप ही भी उसका नियम आज आगे लेकर जा रहे हैं इसीलिए हमारा तेलंगाना तेलुगु भाई बहनों को एक ही गुजारिश है जब तक वर्षा गायकवाड़ और ज्योति गायकवाड़ आपके साथ रहेंगे आपसे एक इंच का जगह भी कोई इंच नहीं ले सकते अगर दो के लोगों को दो जमात लोगों को अगर ऐसे वैसे अगर आप लोग मदद किए सब जो आपके दारा भी आपसे आपसे निकल जाएंगे ये सूरत वाले का हवाला हो जाएंगे आज मुंबई महाराष्ट्र के ऊपर हमला करने के लिए गुजरात से खासकर सूरत से कुछ लोग निकला हुआ है यहाँ धरावी में उनका झंडा लहराने के लिए अभी ये गरीबी अमीरों का लड़ाई है
ये चुनाव नहीं है आपके लिए, चुनाव आते रहते जाते रहते, चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है, मगर इस बार इस चुनाव में अमीर जीतने वाले हैं, नहीं तो ये गरीबों का नेता जीतने वाले हैं, स्थायी होने वाले। अगर सूरत के अमीर जीत गए तो यहाँ पर आपको जगह नहीं रहने वाले, अगर ये गरीब लोग अगर जीत लिए आपका घर यहीं पक्का, आपके नौकरी यहीं पक्का, ये जगह आपका ही पक्का। इसीलिए मैं बार बार कह चुका हूँ, फिर भी अभी कहना चाहता हूँ, हम जमाने में किताबों में पढ़ते थे महाराष्ट्र एक वीरों का धरती है, यहाँ से महाराज छत्रपति शिवाजी जी, फूले जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये धरती के पुत्र है। और हम सुना बाला साहेब ठाकरे के बारे में, शरद पवार जी के बारे में, आज हम देख रहे अपना बदकिस्मती है, आज एकनाथ शिंदे को देखना पड़ रहा, आज अजीत पवार को देखना पड़ रहा, और बहुत सारे लोग जो गद्दारी लोग हैं उनके पार्टी से, उनके जाति से जो गद्दारी की है, आप लोगों को गद्दारी क्यों नहीं करते, आप लोग सोचो, धारावी के जनता लोग आप सोचो। इसीलिए ये चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है, ये आप, ये आपके वो गद्दारों को हरा दिए तो आप लोग जीतेंगे। इसीलिए यहाँ जो जितने भी मौजूद है, अगर यहाँ पर कोई नहीं आया तो भी घर वापस जाओ, घर घर में जाओ, हर घर के आदमी से मिलो, बहन से मिलो, भाइयों से मिलो, ये कह दो अगर ज्योति गायकवाड यहाँ एमएलए बने तो एमएलए के साथ साथ एक मुख्यमंत्री आपके बोनस में मिलने वाले हैं। वो धारावी में छोटे भी अगर आप लोगों को तकलीफ आए, तेलंगाना मुख्यमंत्री यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे, आपके सिपाही बनकर, आपके सिपाही बनकर आपके घर बचाने के लिए, आपकी नौकरी बचाने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपके सिपाही बनने वाले हैं। इसीलिए हमारे भाई बहनों से एक ही मेरा गुजारिश है, इस चुनाव में ज्योति गायकवाड़ को कम से कम, कम से कम कितना मैदान भी देने वाले हैं, 50,000 कितना, ऊंची आवाज से बोलो कितना, 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 कितना। ये बात दिल्ली तक पहुंचना, रेस कोर्स में जो मोदी जी है उन तक सुनाना है, कितना, फिर दोबारा मैं इधर ही आकर इस मंदिर में दर्शन कर ले।